गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर टू करेंगे। द नेम ऑफ चैप्टर इज ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल के बारे में, आदि मानव के बारे में, अर्ली मैन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या करता था, क्या खाता था, कहाँ घूमता था, इन सब के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई वर द अर्लीस्ट पीपल मूव। अर्लीस्ट पीपल जो है, आदि मानव जो है, वह एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाता था, क्यों मूव करता था। 2 मिलियन ईयर अगो, 2 मिलियन ईयर्स पहले जो है, जो इस सब कॉन्टिनेंट में पीपल रहते थे उनको हम हंटर गैदरर कहते थे। और वो जो है हंटर गैदरर को क्यों कहते थे, क्योंकि वे वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को हंट करते थे, शिकार करते थे, फिश पकड़ते थे और बर्ड्स को भी पकड़ते थे। और जंगलों में जो, जंगलों में पेड़ पौधों पे जो फल लगते हैं, रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, उन सबको कलेक्ट करके उनको खाते थे। अब ये सारी चीजें करना, जानवरों को पकड़ना या फ्रूट्स लेके खाना, रूट्स खाना, ये इतना इजी काम नहीं था, क्योंकि कुछ जानवर जो ऐसे होते थे जो मानव से, आदि मानव से, अर्ली मैन से ज्यादा तेज भागते थे। उनके पीछे पीछे भागना या फिश को पकड़ना या बर्ड्स को पकड़ना बिना किसी औजार के, बिना किसी चीज के, इस सब सब चीजों के लिए अर्ली मैन को नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। अर्ली मैन को बहुत ही चुकन्ना रहना पड़ता था। और इसके अलावा जो है, हमने कहा भी कि वो जंगलों से फ्रूट्स, रूट्स, नट्स कलेक्ट करके खाते थे। अब कैसे पता लगता था कि कौन से प्लांट जो हैं, कौन से फल जो हैं खाने वाले हैं, कौन से जहरीले पौधे हैं, या किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट हम खा सकते हैं। तो ये चीजें जो जानना जो है, इसके लिए लॉस ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए थी। अब हंटर गैदरर जो है, हंटर गैदरर मतलब हंट करना और गैदर करना, शिकार करना और इकट्ठा करना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों घूमते थे। पहला तो रीजन ये था कि अगर वो एक ही जगह पे रहते बहुत टाइम तक जो है, अगर एक ही जगह पे रहते तो उस एरिया में जितना भी जो खाने पीने का सामान था वो खत्म हो जाता था, और दोबारा जो है खाने की तलाश में जो है उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। सेकेंड, एनिमल्स, जिन एनिमल्स को वो हंट करता था, अब एनिमल एक जगह पर तो रहेंगे नहीं, तो वो जिन एनिमल्स को शिकार करता था वो एक जगह से दूसरी जगह पर भागते रहते थे। और क्योंकि वो भी अपने स्मॉलर प्रे की, स्मॉलर शिकार के ढूंढते रहते थे, या फिर घास या पत्तों की खोज में जाते थे, क्योंकि एनिमल जो है घास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, और किसी एनिमल, छोटे एनिमल्स को खाते हैं। तो जब वो भागते थे तो उनके पीछे पीछे जो है अर्ली मैन भी भागता था। और थर्ड कारण जो है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। जैसे आप देखते हो मैंगो जो है गर्मी में आते हैं, ऑरेंजेस सर्दी में आते हैं, तो हर सीजन में फ्रूट अलग अलग होते हैं ना। तो जिस सीजन में जिस एरिया में फ्रूट आते थे तो वो वहां जाता था, इसके लिए भी उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था। फोर्थ रीजन क्या था कि जितने भी पीपल हैं, लोग हैं या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। और पानी जो है नदियों से मिलता था उस समय, उसमें से बहुत सारी नदियां जो है पेरेनियल थी, पेरेनियल मतलब जो पूरा साल चलती हैं, और कुछ नदियां ऐसी थी जो सीजनल होती है। सीजनल मतलब जो बारिश के पानी से, उनमें जब बारिश होती है उस पानी से वो नदियां भर जाती है। इसलिए पानी की तलाश में, जब ड्राई सीजन होता है, जब बारिश नहीं होती है, तो पानी की तलाश में, पानी की खोज में भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाता था। इसके अलावा जो है वो लोग जो है, जब बहुत टाइम बाद हो गया तो वो लोग जो है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, फ्रेंड से मिलने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते थे। और एक बात और याद रखिए कि उस समय जो है ना गाड़ियां होती थी, ना बैलगाड़ियां, ना कुछ भी, तो वो लोग अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से मिलने के लिए जो है ऑन फुट ट्रेवल करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब हमें इन सबके, जो आपको अभी बताया, कैसे पता चला, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है जिसमें पता चले। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हिस्ट्री पर स्टडी करते हैं, तो उनको कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कि उस
टाइम में हंटर गैदरर्स जो है वो चीजें बनाते थे और उन चीजों को यूज करते थे, उनको देख के जो है वो आइडिया लगा लेते हैं कि ये चीजें उन लोगों ने यूज की थी। उस समय जो है वो लोग शिकार करने के लिए जो है पत्थरों के या लकड़ी के या फिर बोर्ड के बने औजार जो है टूल्स जो है वो यूज करते थे, क्योंकि जो स्टोन टूल्स हैं, जो पत्थरों के जो टूल्स बने हुए हैं वो आज तक भी हमें कहीं, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है फाइंड आउट किया जमीन को डिक करके एक्सकेवेट करके, तो वहां से जो पत्थर मिले हैं अभी भी, जो पत्थरों के टूल्स हैं अभी मिले हैं, तो उनसे पता चलता है कि वो इस तरह के टूल्स जो है वो यूज करते थे। अब ये स्टोन टूल्स हैं किस काम लाता था? दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट, मीट को कट करने के लिए या बोन्स को तोड़ने के लिए, या फिर जो पेड़ों की जो फल खाता है या उनकी जड़े काटता है या फिर एनिमल की स्किन जो उतार के उसको अपने यूज में लाता है, तो इन चीजों को यूज करने के लिए वो स्टोन टूल्स को यूज करता था। और कई बार जो है कुछ स्टोन टूल्स हमें ऐसे मिले हैं जिनके साथ जो है हैंडल्स बोन्स के और वुड के हैंडल्स लगे हुए हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ मेनी प्लेसेस वेयर हंटर गैदरर लिव्ड, अब कुछ ऐसी जगह भी मिली हैं जहाँ पे ये हंटर गैदरर्स रहते थे, और ये सारी जो जगह में मिली हैं वो सारी प्लेसेस जो हैं वो पानी के आसपास, जैसे रिवर्स हैं लेक्स हैं, क्योंकि पानी जो है बेसिक नीड है ह्यूमन बींग की, तो पानी के आसपास जितनी भी सेटलमेंट मिली हैं वो हमें पानी के आसपास की मिली हैं। जैसे आपको भी बताया मैंने कि स्टोन टूल्स जो हैं वो उनके लिए बहुत काम के थे, तो इसलिए जो है वो उस जगह पर ज्यादा रहते थे यहाँ पे फाइन क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी के पत्थर मिलते थे, उस जगह पे वो रहते थे। और जिस जगह पे वो पत्थर मिलते थे और साथ में वहीं पे वो है उन पत्थरों के औजार बनाते थे, और उस जगह को क्या बोलते थे? फैक्ट्री साइट। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी फाइंड नाउ वेयर दिस फैक्ट्री वर, अब हमें कैसे पता चला कि ये फैक्ट्री साइट्स कहाँ पे हैं? क्योंकि हमें उस जगह पे हमें नहीं, मतलब उस आर्कियोलॉजी जो इसकी स्टडी करते हैं उनको जो है उस जगह पे कुछ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं या फिर कुछ ऐसे औजार जो वो बना रहे होंगे कुछ खराब हो गए होंगे तो वही छोड़ दिए, वो चीजें मिली हैं, तो जिससे पता चलता है कि वो लोग वहां पे रहते थे, तो वहां पे जो है वो पत्थरों के औजार बनाते थे। और कुछ ऐसे जगह पे जो है जब वो औजार बनाते थे वहां पे वो काफी लंबे समय तक वहां रहते भी थे, तो उस एरिया को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोलते थे। अब वो जो स्टोन टूल्स बनाते थे वो कैसे बनाते थे, इसके लिए वो दो टेक्निक्स यूज करते थे। पहली टेक्निक जो है, फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड स्टोन और स्टोन। स्टोन और स्टोन मतलब एक पत्थर के ऊपर रखे, जिस पत्थर को उन्होंने औजार बनाना है उसके ऊपर दूसरा पत्थर को मारते थे और उसको शेप देते थे। और सेकंड टेक्निक जो थी प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग मतलब जो कोर जिसको उन्होंने टूल बनाना है उसको किसी हार्ड प्लेस के ऊपर रख देते थे और उसके ऊपर जो है जो दूसरा पत्थर जो है उसके ऊपर उसको शेप देने के लिए उससे चोट मारते थे, उससे जैसे हैमर से चोट मार मार के हम करते हैं ना, तो उससे जो है हथौड़े से चोट मार मार के उसको जो औजार की शेप देते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। हमें कंडूर केव्स के पास कुछ जगह पर हमें ट्रेसिज ऑफ ऐश, ऐश मीन्स राख, जो आग लकड़ी को जलाने के बाद जो बचता है राख सी, तो हमें वो राख मिली है। वो राख पता चलता है हमें मिलने से कि उस समय के लोग जो हैं आग के बारे में भी फेमिलियर थे। वो आग जो है किस काम के लिए यूज करते थे? एज ए सोर्स ऑफ लाइट। केव्स में अंधेरा होता था तो वो आग जलाते थे और उससे जो है लाइट हो जाती थी। इसके अलावा टू कुक मीट, मीट को पकाने के लिए, या फिर क्योंकि एनिमल जो है वो आग से डरते हैं, जानवरों को दूर भगाने के लिए वो उस फायर का यूज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तकरीबन 12,000 साल पहले जो है हमारे एनवायरनमेंट में जो है बहुत चेंज आया। पहले बहुत ठंडा होता था एनवायरनमेंट, फिर धीरे धीरे जो है गर्म होना शुरू हो गया, और गर्म होने से क्या हुआ उस एरिया में काफी एरियाज में जो है ग्रास पैदा होने शुरू होगी, तो डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड ग्रास उगनी शुरू होगी, और ग्रास के उगने के साथ क्या हुआ काफी मात्रा में जो है बहुत सारे एनिमल्स
हो गए डियर, एंटीलोप, गोट्स, शीप एंड कैटल, जो घास खाते हैं, घास खाने वाले एनिमल जो है वो हो गए। और इसके बाद धीरे धीरे जो है अर्ली मैन जो है उसने जो है कुछ जो एनिमल्स थे उनकी फूड हैबिट्स और उनके ब्रीडिंग सीजन को नोट कर लिया, और धीरे धीरे जो है उसने उन एनिमल्स को अपने टेप करना शुरू कर दिया, टैम करना शुरू कर दिया, उनको डोमेस्टिकेट कर लिया, उनको पालना शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ जो है उन्हें कुछ ऐसी घास नेचुरली अपने आप ग्रो हुई कुछ एरिया में जो है, कुछ एरिया में नेचुरल ग्रास पैदा हुई, जैसे ग्रेन के रूप में वीट है, बाले है, राइस है, ये खाने की चीजें होती है जिसको हम यूज करते हैं ना आजकल, गेहूं है, बाजरा है, चावल है, तो ये नेचुरल अपने आप ग्रो हुई और अर्ली मैन को उसके बारे में पता चल गया, तो ये उन्होंने फिर धीरे धीरे जो है उसको उगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज नेम्स एंड डेट्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जो अर्ली पीरियड है, अर्ली टाइम पीरियड जो है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 ईयर्स एगो तक है, उस पीरियड को पैलोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, पाषाण युग, पत्थर युग, स्टोन एज। सेकेंड पीरियड जो है जब एनवायरमेंट चेंज होना शुरू हुआ, द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंट चेंजेस, वो 12,000 ईयर्स से पहले, उस पीरियड को हमने 12,000 से लेके 10,000 ईयर्स तक उसको मेसोलिथिक पीरियड कहा गया। और उसके बाद का पीरियड जो है 10,000 के बाद का पीरियड जो है उसको नियोलिथिक पीरियड के रूप में जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट इज रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग, रॉक मतलब चट्टानों के ऊपर पेंट किया हुआ। अब आप सोचोगे अर्ली मैन पेंट करते थे क्या, तो कई बार क्या होता है जब खाली बैठते थे वो लोग, आप पूरा टाइम तो ये तो नहीं होता था कि वो एनिमल के पीछे भागते रहेंगे, कभी तो वो अपनी गुफाओं में थक के बैठते होंगे, तो खाली टाइम पे वो केव्स में रहते थे, और उन केव्स में जो है दीवारों पे जो है जो जैसे लकड़ी के टुकड़े हो गए उनसे पेंटिंग करते थे। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें कुछ गुफाएं ऐसी मिली हैं जहां पे जो है जो हमें मध्य प्रदेश में, साउथ उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे एरिया हैं, यहाँ पे हमें कुछ ऐसी केव्स मिली हैं यहाँ पे जो है उन्होंने पेंटिंग की हुई है, और जो पेंटिंग जो है बहुत ही एक्यूरेसी और स्किल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई थी। हु डिड व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था। अब हमने ये तो देख लिया, ये तो पढ़ लिया कि अर्लीस्ट पीपल जो है हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, पेंटिंग करता था, तो ये कौन करता था, मैन करते थे, वीमेन करती थी, जब बच्चे करते थे, कौन करता था, इसके बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि अभी तक कि क्या वुमेन हंट करती थी या मैन जो है वो स्टोन टूल बनाते थे, तो ये हमें कुछ भी पता नहीं चला है, जब दोनों मिलके करते थे तो इसके बारे में अभी आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ भी फाइंड आउट नहीं किया गया है। और उस समय जो है पैलोलिथिक पीरियड में जो है ओस्टिच, इंडिया में जो है ओस्टिच भी पाए जाते थे, हमें कैसे पता, क्योंकि उस समय जो है आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ओस्टिच के जो एक्स हैं काफी मात्रा में एक्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इंडिया में जो है पैलोलिथिक पीरियड में जो है ओस्टिच भी पाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लोजर लुक हंक्सी। हंक्सी एक जगह है जो पैलोलिथिक साइट है, पैलोलिथिक पीरियड की एक जगह है, यहाँ पे जो है बहुत सारे हमें आर्कियोलॉजिस्ट को टूल्स मिले हैं जो कि वो अर्ली मैन यूज करता था, और साथ में जो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी करता था उसके भी टूल्स मिले हैं। और इसके अलावा जो है कुछ साइट्स जो हमें मिली हैं वो स्प्रिंग्स के पास, स्प्रिंग मतलब जो जटने होते हैं उनके पास मिली हैं, और जितने भी टूल्स हमें मिले हैं वो सारे टूल्स जो हैं लाइमस्टोन से बने हुए थे। ओके क्लास, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको ध्यान से रीड कर लीजिएगा। ओके।